अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी YouTube की ऑडियंस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी खुशियों की आज जो वजह है वो मेरी सहेलियाँ हैं प्यारी प्यारी, क्योंकि आज हम सब फ्रेंड्स जो हैं वो मिलके इकट्ठी हो रही हैं और हाइटी का प्लान है। पूछा मैंने कुछ? तो चलो सबसे पहले मैं रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और ये आज के दिन का मेरा ड्रेस है, क्या चमक रहे हैं यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ग्लिटर्स लगा ले, क्या है ना, क्या चमक रहे हैं स्टोन्स। और ये मेरे आज के दिन का ड्रेस है और अभी थोड़ी देर में तैयार होंगी और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसका ये स्टोल है, दुपट्टा है और ये आप लोग देख सकते हैं कि मेरी फ्रेंड पहुंच चुकी है फुल तैयार होकर और बड़ी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। खड़े होकर अपनी फुल लुक की दिखा दो कि कैसी लग रही हो। और मैं अभी तक जो है वो रेडी नहीं हुई, बदतमीज़ों में वैसे तैयार श्यार होके हम लोग निकल चुके हैं। सिद्रा मेरे साथ है, मैं भी निकल चुकी हूँ, रेडी में हो चुकी हूँ, लुक नहीं दिखा पाई, अब कोई बात नहीं, बाद में सही। और अब हम फरी को पिक करने जा रहे हैं, फरी को पिक करने के बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। और अब हम लोग कजाफी स्टेडियम में एंटर होने वाले हैं और अपने वेन्यू पे पहुँचने वाले हैं। लेट हम लोग हो चुके हुए हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह। फरी जो है पहुँच चुकी है। डियाना ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिस पर मुझे गुस्सा आता है, सबसे अच्छी लग रही है। और अब हम लोग जो है वो नदीम कैटर्स पहुंच चुके हुए हैं, बस गाड़ी पार्क कर दी, अंदर चलते हैं और हाइटी एंजॉय करते हैं। और अब हम लोग नदीम पहुंच चुके हैं और देखते हैं, हाइटी स्टार्ट हो चुकी है, हम लोग लेट हैं। हाय साइमा, मेरी फ्रेंड फरी को तो आप लोग जानते ही हैं, मिसेज नकवी, हमारे ग्रुप की हसीन और जमील आइटम गर्ल, नहीं आइटम गर्ल तो ये हैं, मिसेज शाह एंड दिस इज डिंपल। हेलो, हाय। और चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ का मेन्यू दिखाती हूँ जो कि बहुत ही अच्छा है। ये इनका सैलेड का सेक्शन है जिसमें से बहुत वैरायटी है। और ये एक तरफ उनके कुछ मीठे और साथ में सैंडविचेस एंड चटनीज वगैरह हैं। यहाँ पे गोलगप्पों का है। और डिंपल तू क्या ले रही है? मैं गोलगप्पे, मेरे लिए भी ले ले गोलगप्पे। और ये आपको मेन कोर्स सिखाती हूँ जिसमें कि चाइनीज़ है, डिफरेंट किस्म के चिकन है और काफ़ी वैरायटी लग रही है यहाँ पर। और ये बच्चा जो है फिश जा रहा है कि चिप्स और चिकन, आई थिंक बच्चों के फेवरेट चिप्स फिश के, आई थिंक ये पिज्ज़ा फिश है हमारी। आगे ये बारबेक्यू है कुछ, ये सीख कबाब हैं, ये भी कुछ आई थिंक ड्रिंक्स वगैरह हैं, वैरायटी काफ़ी है इनके पास। और चाइनीज़ की तो बहुत तारीफ सुन रही हूँ, मैं सोच रही हूँ जाकर अभी भी आप देख सकते हैं वो एंड तक रश काफ़ी है, संडे है तो इस वजह से मुझे घूम घूम के दिखाना पड़ रहा है। और ये आई थिंक इनकी कोई मखनी टाइप की हांडी है। ये पाए हैं जो कि बहुत ही लजीज बने हुए हैं। और ये इनका मटन है। ये इनकी एक तरफ आइसक्रीम बार है जिसमें कि बच्चे बाहर खड़े सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आइसक्रीम के लिए इंटरेस्टेड हैं। कौन कौन सी आइसक्रीम पसंद है आप लोगों को बच्चों? चॉकलेट, चॉकलेट, मेरे बच्चों की तरह सब चॉकलेट ही लेते हैं। और ये इनका फाउंटेन है, चॉकलेट फाउंटेन है। और ये इनके डिज़र्ट्स हैं जिसकी कि इतनी वैरायटी है कि खाते खाते आपका जो है वो दिल भर जाएगा और चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। हम क्या चखें, हम सोच रहे हैं हम ये चखें। और अभी यहाँ पर भी है इनका काफ़ी डिंपल, कितनी इनकी डिज़र्ट्स की वैरायटी है ना, लॉट ऑफ थिंग्स, सच में बहुत अच्छी। और ये मैंने फ़िश ले लिया है और मलाई बोटी ली है और प्रॉन्स और पिज़्ज़ा खाना बहुत टेस्टी है, जैसे कि मैंने सुना था वैसे ही पाया अभी तक। और ये पाया मैंने मंगवाया है तो पाया ऐसे आया है कि ये बकरे की टांग नहीं, ये किसकी टांग है वैसे भाई? बकरे की नहीं है ये, बकरे की टांग ये गारंटी मैं लगा सकती हूँ, बकरे की होगी। ये किसकी टांग है भाई? बकरे की है। ये चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत बकरे के दादा की टांग है एक्चुअली। हाँ सेहतमंद था। और ये चाइनीज लेकर आई हूँ जो कि टेस्ट में वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। परी का रोज़ा था इस वजह से वो अब रोज़ा खोलने लगी है और वो तो अभी नियत शुरू करेगी। हम लोग आधा आधा खा चुके हैं ऑलमोस्ट। तुझे कैसा लगा यहाँ का फूड?
और सर्विस के बारे में आपने नहीं बताया। मैं नदीम वालों की ऐसे तारीफ कर रही हूँ जैसे नदीम वाले मेरे रिश्तेदार हैं। और इवन ये टेबल के ऊपर सर्व कर रहे हैं और हर चीज़। हाँ, गर्म भी है। आप ये इन खवातीन को देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें लेके अपने आगे रखी हुई हैं। यार मैं ये क्या साथ ही स्प्राइट, साथ ही अपने बैग में आइसक्रीम, अपने बैग में साथ ही चाय और साथ ही ये उंगली आलू बुखारे वाली चटनी। मिसेस नकवी क्या है ये, इतने पैसे भर रहे हैं तो मैंने कहा सब कुछ खा लूं। ये मेरे बैग में रखना था, ये बैग में आपने लिक्विड चीज ही बननी थी, बननी थी तो फिश बननी थी। इतने छोटे बैग में आप क्या भरेंगे मुझे ये बताएं। बस बैग बड़ा हुआ है, छुपा के नीचे रखा हुआ है बड़ा बैग, देख ले, चेक कर लो इसमें कोई मछली वछली ना हो। नहीं नहीं मैं ये लेके जाऊंगी। लोग ये ना समझे कि चटनी कोई नहीं खाता, मेरी फ्रेंड देख लो कि आलू बुखारे की चटनी भी स्पेशल खा रही है। मेरे मियाँ को भी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। और मैंने गोलगप्पे का पानी भी बहुत सब पिया। अच्छा आप क्यों बेजार हुई है? मुझे मीठा कोई ला के दो, खाने नहीं दे रहे लोगों। ये बेटी है मिसेस शाह की और खाने नहीं दे रही शुगर की वजह से। आप खा ले एक एक चम्मच, मेरी इजाज़त है, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। घर जाके आपको मैं करेले का जूस पिला दूंगी। खाएं खाएं। ये सिर्फ एक रोजेदार का लालच है जो सारे दिन का भूखा है बेचारा। इसमें से ये क्या खाएगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये दो चीजें मैं नहीं खाती और इसका पेट भर जाता है। यार सब चीजें आ रही हैं। हाँ चीजें रख के तुझे ऐसी फीलिंग आ रही होगी रोजा खुलने वाला है। हाँ वैरायटी नहीं, वैरायटी मैं बना रही हूँ वहाँ पे। और बच्चा पार्टी आप लोग इंजॉय कर रहे हो? अच्छी लगी आज? अच्छी है। तुम्हारे दोस्त धोखा देखे वो आए नहीं है शाबिर शाया। डल गया छापा डल गया कि आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या बच्चे बन गए हैं? बच्चे बन गए। ये बड़ी गलत बात है, आपको मैं नहीं याद आई आइसक्रीम लाते। आप अपनी सहेली की लाई है ना, आप अपनी सहेली की लाई है ना मिसेज शाह की। मैं अब खाने से मेरा हो गया, अब मैं भी जा रही हूँ आइसक्रीम लेने। आजा टिम्पल, कौन सा फ्लेवर लिया है? कैरमल एंड स्ट्रॉबेरी। मैं भी स्ट्रॉबेरी लूंगी यहाँ से, आई लव स्ट्रॉबेरी। और फाइनली फरी का रोज़ा खुल गया है, अजानें हो गई हैं। मेरी जानू आपने रोज़ा रखना ही नहीं था, आपने बड़ा सब्र किया है कसम से। और ये मैं फ्रूट चाट अब लेकर आई हूँ, क्या लजीज और मज़ेदार चाट लग रही है। मेरी मर्जी के सारे आइटम हैं इसमें। यस यहाँ बिल प्रोसेस चल रहा है, वो देखें। अच्छा बिल प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। ऑलमोस्ट हम लोग हैं जिसे फारिग हो चुके हैं, बस डिजर्ट्स रह गए हैं, तो चलते हैं और डिजर्ट लेते हैं। आप लोग भी साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम। और ये मेरी फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये प्रॉन्स खा के गर्म हो गई है और इस वजह से जो है वो बाहर लॉन में आ गया। मैं आपको इसके फुल लुक दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं कि इसके फुल लुक, इसे जंप सूट पहना हुआ है और बहुत स्टाइलो हमारी ग्रुप की मेंबर है ये। आ चुके हैं और बहुत इंजॉय करें। अब आप लोगों को सबको मिसेस शाह एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाएं। फिर फोन आ गया। जल्दी सोचो तो जरा कैसे जाओगी भीगे मौसम में। डिंपल को बुलाएंगे वो लेके जाएगी। अरे कर दो टेलीफोन की आज नहीं आओ। हम कमरे में आग जला कर हुए हुए बैठेंगे, कमरे में आग जला कर बैठेंगे। पहले बड़ी हॉट है आप लेते हैं तुम न हुए तो काटेगी ये तन्हाई। तोड़ के मेरा दिल तुम पछताओगी। सोचो तो जरा कैसे जाओगी। अरे कर दो टेलीफोन के आज नहीं आओ। वाह जी वाह, मिसेस शाह के सॉन्ग की क्या ही बात है, बहुत मजा आ गया। मिसेस लकी आपकी एक जो है अपने मियां के एजाज में वो गा सकती हैं लाइव, वो दुखी गाना, वो जो दुखी ना गाना प्लीज। और आज की अच्छी बात को मैं स्विच करती हूँ डिंपल की तरफ। आज की अच्छी बात ये कि डिंपल बहुत अच्छी है। हम बहुत जल्द आपसे दोबारा मिलने आ रहे हैं इंशाल्लाह, बादशाही मस्जिद में जल्दी मिलेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और वापसी का सफर हमारा शुरू हो चुका है और इस टाइम हम लोग खूब
खाने से, गप्पों से, बातों से, सब चीज़ों से पेट भर के और अब निकल रहे हैं। और ये मुझे बड़ा अच्छा लिबर्टी राउंड अबाउट का लग रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको भी बीच में कैप्चर करती हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा सजा हुआ है। लाहौर की क्या ही बात है जी, लाहौर मुझे बड़ा ही पसंद है। और इसके साथ ही आज का व्लॉग एंड करते हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और नमाज जरूर पढ़ें। फिर किसी व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।